सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सरकार चाहे खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी खेल नीति बनाने का दावा करे, लेकिन ये दावे हर दफा हवाई ही साबित हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश, जिसने बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया, लेकिन आज वो सरकार और विभाग की अनदेखी की वजह से कुल्फी बेचने को मजबूर है। बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़ों के छक्के छुड़वाने वाला खिलाड़ी दिनेश इन दिनों कुल्फी की रेहड़ी पर फेरी लगाने को मजबूर है। उसे ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चोट लगने की वजह से उसके पिता ने इलाज के लिए किसी से उधार में पैसे लिए थे। पैसे उधार लेने के बाद वो उन पैसों को इसलिए नहीं चुका पाया क्योंकि पारिवारिक स्थिति कमजोर थी। अब वो चोट लगने की वजह से खेल भी नहीं पा रहा है। उसकी मजबूरी अब इतनी बढ़ गई है कि वो प्रतिदिन रेलवे फाटक के पास रेहड़ी पर फेरी लगाकर कुल्फी बेच रहा है। दिनेश ने बताया कि उसने 17 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर तो 5 ब्रॉन्ज मेडल लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। उसने खेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने खेलने के लिए बाहर जाने के लिए कर्ज भी लिया और उसे एक उम्मीद थी कि सरकार उसके खेल को देखकर नौकरी या इनाम देगी तो सारा कर्ज उतर जाएगा, लेकिन खेल प्रतिस्पर्धा में इतना नाम कमाने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से आज वो कुल्फी बेचने को मजबूर है। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है और काफी मेडल मैंने प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरी आज आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि मुझे पापा के साथ रेडी पे फुल फैपी नहीं पड़ रही है। पापा ने मुझे पार्ट भेजने के लिए या फिर मेरी बैग हथियार उठाने के लिए काफ़ी कर्जा लिया है, जो जिसके कारण घर पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हेल्प करूँ, इसलिए मुझे पापा के साथ फुल फैपी नहीं पड़ रही है। मुझे पिछली सरकार या मुझे जो अभी बीजेपी सरकार रही है, मुझे कोई भी सहायता इस तरह से मुझे नहीं मिली है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आगे मेरी जो बात है आगे जाए और मुझे किसी भी तरह से मुझे सहायता मिले कि मैं आगे गेम स्टार्ट कर सकूं या मुझे कोई जॉब वगैरह मिल सके। वहीं दिनेश के पिता का भी सपना था कि उनका बेटा अच्छा बॉक्सर बने और देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। दिनेश भी उसी राह पर चल रहा था, लेकिन चोट लगने की वजह से वो जिंदगी के इस खेल से हार गया और उसे खेल को छोड़ना पड़ा। उधर दिनेश के भाई का भी यही कहना है और उन्होंने सरकार से दिनेश को नौकरी या फिर आर्थिक मदद मुहैया करवाने की मांग की ताकि उनका उधार चुकता हो सके। इसको तो नौकरी नहीं मिली और बड़ा अच्छा प्लेयर था ये, है जी, और मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, कुल्फी की रेड़ी लगाता हूँ। जब ये विदेश में खेलने के लिए गया, लाखों रुपया मैंने कर्जा उठाया, पहले सिलारू गया वहाँ पे कर्जा उठाया, फिर दूसरे देश में गया वहाँ पे कर्जा उठाया। सरकार से ये प्रार्थना है, देखो जी बच्चों को जो है सर्विस दें तो आगे भी जो ये बढ़ सके, है जी, और हमारा कर्जा भी उतर जाए। मेरे पिताजी ने काफी कर्ज लिया, इनको जब इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड जाने के लिए मेरे पिताजी ने काफी लाखों रुपए लिए थे। उस वक्त ये लगा लो कि अगर किसी को 50,000 रुपए भी लेने पड़ जाए तो कोई 10% में देता, कोई 15% में, कोई दिया नहीं करता। हमने हाथ पैर जोड़ के मुश्किल से वो कर्जा लिया था। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से हमें आर्थिक सहायता दी जाए और मेरे भाई को नौकरी दी जाए ताकि हमारा भी गुजर बसर। चोट लगने की वजह से दिनेश आज रेड़ी लगाकर कुल्फी बेचने को मजबूर है। ऐसे में देखना होगा कि जिंदगी के इस खेल से हारे हुए खिलाड़ी की सरकार कब तक मदद करती है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।